अशोक हिंदुस्तानी सैफुद्दीन स्वच्छ भारत अभियान प्रचारक ने बताया कि भारत को स्वच्छ रखने के लिए हम समाज को जागरूक कर रहे हैं। हाँ अपने हाथ खराब हो जाएंगे इसको अगर फ्रेश करके डालेंगे ऐसे। इसमें हजार दो हजार आ जाएंगे इसको अच्छा डालते वो भी भर जाएगा। क्या क्रैश नहीं है? नहीं अगर करेंगे तो पूरा भर जाएगा बाहर जाएगा। इसे क्रैश करके डालेंगे कि जहाँ आता है हजार वहाँ जाएगा 3000। यही हमारा एक संदेश है। एक जगह पूछा मैंने एक से कहाँ से चाय पीने आए हो? बोले सरगम टाकिस से। सरगम टाकिस से इतनी दूर चाय पीने आए थे डिस्पोजल वही भेज दिया। मैंने कहा सरगम टाकिस दूर है या कचरे का डब्बा दूर है? बोले सॉरी। मैंने कहा मेरे से सॉरी मत बोली, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, आप धरती माता पे उपकार करिए। हाँ सर, मेरे को तो 5 साल हो गया करते करते। जिस दिन भी मैं ये काम करने निकलता सफाई अभियान के लिए, मुझे 10 सज्जन तो ऐसे मिलते हैं कि हम अब सफाई में सहयोग करेंगे। इसलिए एक आदमी काम का नहीं है, सरकार एक एक आदमी के पीछे नहीं लगेगी। जैसे मेरा एक बेटा है तो मैं उसके पीछे 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया। जब मैं एक बेटे के पीछे रोज नहीं जा सकता तो सरकार एक एक आदमी के पीछे थोड़ी लगेगी। हर हिंदुस्तानी को और हर आदमी को आगे आना पड़ेगा सफाई अभियान में और हर चीज़ के अभियान में, तब जाके अपना हिंदुस्तान सफल हो पाएगा। और दुनिया हिंदुस्तान से अच्छा दुनिया में कोई देश नहीं है और हिंदुस्तानी नागरिक से अच्छे नागरिक कहीं किसी देश के नहीं है। लेकिन हमने अपने आप को शायद हो सकता कुछ गलत काम करके बदनाम कर लिया है, तो ऊपर वाले हमको ये ताकत दिए कि हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते। क्या सर, और इसके अलावा आप क्या आह्वान करते हैं लोगों से? बस ये स्वच्छता संदेश, और भी बहुत सी चीज़ जिसको जो समझ में आए वो कर सकता है अपने हिसाब से। तो सबकी सोच अलग अलग होती है तो हर इंसान की सोचने पर, लेकिन कुछ काम ऐसे जो हर इंसान कर सकता है, उसमें इंसान का पढ़ा लिखा होना या गरीब अमीर है छोटा बड़ा ज़रूरी नहीं है। कुछ काम ऐसे हैं कि वो कोई भी कर सकता है। हमारा एक सबसे हिंदुस्तान, मैं अशोक हिंदुस्तानी स्वच्छ भारत प्रचारक साइकिल द्वारा। वंदे मातरम, मैं हूँ सैफुद्दीन। आप लोग ये स्वच्छ भारत अभियान को लेके निकले हुए हैं, प्रतिदिन कम से कम कितनी दूरी तय करते हैं? सर हम लोग प्रतिदिन लगभग, मैं साइकिल से लगभग 100 किलोमीटर सुबह 4 बजे निकलता हूँ, शाम को 6 बजे तक घर जाता हूँ, और हमारे चचा भी वहाँ साथ में आ जाते हैं तो चचा हमारे गाड़ी चलते हैं, मैं साइकिल चलता हूँ। दोनों की एक सेवा, जो इस समय हमारा पूरा विश्व हिंदुस्तान कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है, तो हम लोग यही संदेश देते हैं कि सरकार के नियमों का पालन करें, जैसे कि मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें और हाथों को बार बार धोएं कम से कम 20 सेकंड तक। इन्हीं नियमों का पालन करके कोरोना वायरस को चैन को तोड़ा जा सकता है, यही हमारा संदेश के साथ। और जो हमारे गरीब ज़रूरतमंद और निर्धन लोग और प्रवासी मजदूर लोग जो हमारे जहाँ जहाँ लगभग घूम रहे हैं बेचारे, उनको हमारा सहायता देना, चाय नाश्ता पानी और खाना, यह हम लोगों का एक धर्म है। हम दोनों राम रहीम की जोड़ी के नाम से जाने जाते हैं और हमारा एक यही है, एक संदेश ये भी है, राम रहीम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, सब साथ मिलकर एक कोरोना वायरस महामारी को की चैन को तोड़ना है। जय हिंद, जय भारत।